दोस्तों मेरे पास इतनी सारी पतंगें कहाँ से आई, चलो आपको बताता हूँ। तो आज सुबह की बात है कि मैं एक मस्त वाली पतंग लेके आता हूँ, लेकिन हम इस पतंग को यहाँ पे नहीं बल्कि जंगल में उड़ाएंगे। पर जंगल में जाते समय मुझे रास्ते में एक पेड़ के ऊपर अजीब सा गिलास मिलता है, और जैसे मैं इस गिलास को पेड़ के ऊपर से नीचे उतारता हूँ, मुझे इस गिलास के अंदर से अजीब सा कागज मिलता है। चलो गिलास को फेंकते और देखते इस कागज में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ये तो एक पुराने खजाने का नक्शा है, और इस नक्शे की मदद से हमें बहुत बड़ी पतंग की दुकान मिल सकती है। पर पतंग की दुकान से पहले हमें बहुत सारे पत्ते ढूंढने पड़ेंगे, और मुझे पता है पत्ते हमें कहाँ पे मिल सकते हैं। दोस्तों जंगल के बीच मुझे एक बहुत बड़ा पेड़ मिलता है जिसके नीचे बहुत सारे सूखे हुए पत्ते होते हैं, और ये सारे वही पत्ते जो कि नक्शा बने हुए हैं। चलो हमने पहला टास्क तो कंप्लीट कर दिया, अब आगे चल के हमें मंजे की चेकी ढूंढनी पड़ेगी, जो कि मुझे वहां से थोड़ी दूर चलते एक मिट्टी के टीले के पास में मिल जाती है। चलो यहाँ पे दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, और ये वाली चेकी तो पतंग उड़ाने में बहुत काम आएगी। अब गाइस लास्ट में पतंग की बहुत बड़ी दुकान मिलने वाली है, और इस दुकान के अंदर हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी पतंगें मिलेगी। अगर आपको मेरी तरह कलरफुल पतंगें बहुत ज्यादा पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आपको पतंग खरीदने के लिए घर से कितने रुपए मिलते हैं यह बात भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद फाइनली मुझे बहुत सारे पत्थरों के बीच में नक्शा बनी पतंग की दुकान यहाँ पे मिल जाती है। और गाइस ये दुकान तो मेरी सोच से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और मुझे यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी पतंग मिलती है।